हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर हम लेके आए हैं एपिसोड 4 डेथ माउंट डेथ प्ले का। तो अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाए रखी है, आप जाके देख सकते हो। जैसा कि अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था, दो कॉप्स बताए जाते हैं जहाँ पे पोलका ने लोगों को मारा होता है। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 4। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमको जैसा दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में वही तो सोल्जर्स होते हैं, मतलब कॉप्स होते हैं, जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में देखने को मिले थे। और वो यहाँ बात कर रहे होते हैं वेरियस क्रिमिनल्स के बारे में और उनकी स्टडी के बारे में। यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं वेरियस क्रिमिनल्स के बारे में कि कैसे ये सारे खतरनाक क्रिमिनल तो हमें मारे जा चुके हैं या फिर हमारी कस्टडी में है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है गैस करना कि ये किसने करा होगा कांड। यहाँ पे हमको ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से केस हैं और उनको पब्लिक में लिख हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वो बात कर रहे होते हैं कि स्केलेटन जो कि ग्रीम रीपर है, दूसरा फायर ब्रीदिंग बग और तीसरा है लेमिंग्स। और जिसके बाद दो और नए केस ऐड हुए हैं, एक तो वो स्केलेटन वाला जहाँ पे बच्चों को बचाया था, और दूसरा ह्यूमन नॉट वाला किस्सा जहाँ पे इंसानों की गांड बांधकर उसको मार दिया था, गांठ बांधकर। और उनको लगता है कि फायर ब्रीदिंग और स्केलेटन वाला किस्सा कहीं ना कहीं रिलेट हो सकता है, पर हमारे पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है उसके रिलेटेड। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि वो सारी वीडियोस यहाँ पे वायरल हो रही हैं और फेक भी हो सकती हैं, पर असली भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो सही सलामत वापस आ गए थे। इसका मतलब वो स्केलेटन बिल्कुल ही असली है। चलो पैनिक मत करो, हम सब मैनेज करेंगे और सबको सब कुछ बताएंगे क्या किस्सा है। तो यहाँ पे वो दोनों मेन ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं, अच्छा है ये केस इंसानों द्वारा ही किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और कोई और निकला तो अब भी हम उनको हैंडल कर सकते हैं, पर बड़ी मुश्किलों भी हो सकती है। और यहाँ पे अगले सीन में हमको दिखाया जाता है पोलका, और वो रहता है उसके हाथ में एक स्टफ्ड फिश एनिमल। और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि मैं शरीर में तो हूँ, जो शरीर अभी मेरे पास है, पर दरअसल उसकी असली आत्मा को मैंने इस एनिमल में अभी स्टफ्ड कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ड्रोन वाले बंदे को ड्रोन वापस मिल जाता है, और इतनी देर में वहाँ पे मिजाक आ जाती है और बोलती है वाओ ये क्यूट एनिमल कितना प्यारा है, और वो उसको छीन लेती है पोलका से और उसको अपने बूब्स पे लगा लेती है। और यहाँ पे वो फिश पूरी की पूरी रेड पड़ जाती है। तब ताकुमी जो कि ड्रोन वाला बंदा होता है सोचने लगता है कि अजीब बात है, इस लड़की ने इसको मारा था और इसके पास ही इतना खुश हो रही है। और फिर यहाँ पोलका बोलता है मैं इसको बात करने पे मजबूर कर सकता हूँ, बस मुझे एक ह्यूमन वोकल कॉर्ड चाहिए होगी जो कि एक इंसान द्वारा ली गई होगी, वो भी फ्रेश। यहाँ पे वो बोलने लगता है आगे कि मैं उसको बना भी सकता हूँ अपने जादू से, पर यहाँ पे बहुत कम स्पिरिट्स हैं और मेरा जादू बहुत ही कम बचा है मेरे पास। यहाँ पे मैं घोस्ट की आत्मा से पावर ले सकता हूँ, पर यहाँ पे उनके पास कोई ग्रज होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए, एंगर होना चाहिए। पर अगर मैं घोस्ट को एग्जॉस्ट कर सकता हूँ तो मैं और ज्यादा पावर इकट्ठा कर सकता हूँ, इस बिल्डिंग में इतनी पावर्स तो है। यहाँ पे ताकुमी बोलता है अच्छी जगह तुमको कहीं और नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पोलका हमको बताता कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे जमाने में जितने भी डायमंड स्पेयर्स और हाई डेंसिटी के जेम्स हैं, मतलब जिनको तुम हीरे बोलते हो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे पोलका उनसे आगे बोलता है कि बस एक बाल्टी डायमंड्स मेरे पूरी दुनिया पे राज करने के लिए मदद कर सकते हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे ताकुमी उनसे बोलता है चलो रियलिटी में उनको खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पे पोलका और मित्सुगी पहुंच जाते हैं दुकान पे हीरे खरीदने और पता लगाते हैं कि यहाँ हीरा कितने का है। तो दुकान वाली इनको बताती है कि तुम्हारी औकात से बाहर है, कृपया कर निकल ले यहाँ पे। तो पोलका सोचने लगता है यार ये तो इतने महंगे हैं इस दुनिया में, मेरे पिछले जन्म में ये हीरे इतने सस्ते थे कि इनको कोई बच्चा भी खरीद सकता था। तो यहाँ पे वो दुकान वाली बोलती है अरे भाई अगली बार तो इतने बढ़ जाएंगे कि तेरी गांड फट जाएगी। के बाद पोलका की फट जाती है पूरी की तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं पोलका और मित्सुगी यहाँ पे चल के जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि यार ये स्टोन्स खरीदना कितना मुश्किल है। तो हम इतने में देखते हैं ताकुमी को जो कि यहाँ पे देख रहा होता है एक इंसान को, और वो रहता है एक पुलिस वाला, और वो देख के शौक होता है क्योंकि पुलिस वाला आता है भगते हुए और उसके ड्रोन को एकदम से पकड़ लेता है। और उसके बाद हमको उसका ही पार्टनर दूसरा पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे क्लैरिसा के बार में होता है और बोलता है क्लैरिसा बड़ी खुशी हुई तुमको देख के, बड़े दिनों बाद दिखी हो, मुझे तुम्हें बात करना है किसी चीज के बारे में। और यहाँ पे वो बात करने लगता है और बोलता है कि वो ड्रोन वाला जो चूतिया है वो तुम्हारा दोस्त ही है ना, यहाँ पे हमने वो ड्रोन देखा था जहाँ पे वो बिल्डिंग चल रही थी, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग के रिलेटेड तुम्हारे आदमी का कोई लेना देना हो सकता है। और मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ये सब कर रही है? तो उसका नाम पता पड़ता है हमको यहाँ पे, वो लड़के का येल्लो बाल वाले, उसका नाम रहता है लीसा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोलका और मित्सुगी को, यहाँ पे वो कॉप आता है और उस ड्रोन को पकड़ लेता है और बोलने लगता है बच्चों मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे वो ताकुमी से बात करता है ड्रोन के जरिए और बोलता है ताकुमी मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, और यहाँ पे तुम्हारे ड्रोन से मैं बात भी कर सकता हूँ और तुम भी बात कर सकते हो। यहाँ पे वो ताकुमी से बात कर रहा होता है ड्रोन के जरिए, इतने में पोलका बोलता है एक्सक्यूज मी जो भी चीज तुमने अभी पकड़ी हुई है वो मेरे दोस्त से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है ताकुमी कुन वो तुम्हारा दोस्त है,
पर एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए ताकुमी जैसे कुत्ते के साथ दोस्ती करना बहुत ज्यादा गलत है। वो एक कचड़े का डब्बा है, तुम उससे अपनी दोस्ती अभी यहीं के यहीं तोड़ोगे। यहाँ पे वो उसको पकड़ता है तो उसको पता पड़ता है कि उसका शरीर बहुत ही ठंडा हो रहा होता है। और यहाँ पे पोल का बुरा मान जाता है कि उसके दोस्त को तुमने कचड़े का डब्बा कैसे बोला। और यहाँ पे वो उसको पीछे हटा देता है बिल्कुल उसकी पावर्स का यूज करके। और यहाँ पे पुलिस वाला बोलने लगता है, अरे 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 अरे, अब तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा, तुम किस तरीके के इंसान हो, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो थोड़ा सा। इसके बाद हम देखते हैं कि पोलका अपनी आंखें रेड कर लेता है। और यहाँ पे उस पुलिस वाले का नाम बताया जाता है जो कि रहता है अरेज। और वो यहाँ पे एक किसी भी चोर डाकू से भी बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। फिर ताकुमी हमको बताता है कि एक बार मेरी ही आंखों के सामने उसने 8 लोगों को जिंदा मार दिया था और वो भी बहुत ज्यादा टफ लोग थे। तो वो पोलका को सलाह देता है, पोलका ये एक पुलिस वाला है, इसके सामने अपनी पावर्स यूज मत करो। और यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है, तुम ज्यादा ही फ्रेंडली एक्ट नहीं कर रहे उसके बिहाफ पे, तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया नहीं अच्छाई और बुराई क्या होती है। यहाँ पे पोलका बोलता है, मेरे माँ बाप ने तो मेरे को बेच दिया था, मुझको कुछ नहीं पता। जिसके बाद ताकुमी यहाँ सोचने लगता है कि दरअसल मिसाकी अभी क्लैरिसा के ऑफिस में जाएगी, मतलब बार में, और यहाँ पे उसके साथ पोलका भी जा सकता है, हमको कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो यहाँ पे वो फोन कर देता है फटाफट से अरेस को और बोलने लगता है, ओ भाई बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, दरअसल जिन लोगों के सामने तुम खड़े हो वो मेरे गेमिंग बडीज हैं और उनके घर के लोग मेरे क्लैरिसा के बारे में काम करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी परेशान मत करो। और यहाँ पे मुझको पता है मैं इलीगल तरीके से उड़ रहा था, पर तुम्हारे पे केस भी हो सकता है क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहे हो इन दोनों को। और यहाँ पे वो सारे के सारे ड्रोन से रिकॉर्डिंग चालू कर देता है ताकुमी और बोलता है, अबे साले तू मेरे सामने होता तो इतना बोल पाता क्या, जिसको देख के ताकुमी शॉक में पड़ जाता है। यहाँ पे पोलका से बोलने लगता है, तुमको पता भी है क्या ताकुमी कैसा बंदा है, ये अपने आप को बचाने के लिए तुमको बेच देगा, ये एक बहुत ही हरामी इंसान है जिसने अपनी चमड़ी बचाने के लिए कितनी ही बार कितने लोगों को काम तमाम करवा दिया है, क्योंकि ये सबकी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। उसकी बात सुन के पोलका और गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मेरा एक दोस्त है। और यहाँ पे वो ईवल आई निकालता है जिसको देख के पुलिस वाला समझ जाता है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है और बहुत ज्यादा बैटल हार्डन लग रही है ये। इसकी बॉडी और इसकी बात करने के तरीके से ये एक बॉस लग रहा है या वेटरन सोल्जर। यहाँ पे मिसाकी गायब हो जाती है और वो देख रहे होते हैं लड़की कहाँ गई, तो मिसाकी यहाँ पे अरेस के पीछे होती है और उसमें एक लात मार देती है और बोलने लगती है, मैं तो बहुत डर गई, इस कुत्ते ने मेरे को मारने की कोशिश करी और मैंने अपने आप को बचने में इसको मार दिया, चलो भागते हैं यहाँ से वरना ही हम पे अटैक कर देगा। इतना बोल के वो यहाँ पे पोलका का हाथ पकड़ के भाग जाती है। इसके बाद पुलिस वाला उठता है और बोलता है, एक बच्चा इतनी तेज किक नहीं मार सकता, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच जाते हैं जैसे तैसे। और यहाँ पे ताकुमी सोचने लगता है कि अरेस बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है और पोलका से बात करते हुए बताता है, तुम लोग ठीक हो ना, तो वो बोलते हैं बढ़िया बढ़िया, वहां से फटाफट निकल जाओ, पर यहाँ पे तुमको मेरे बारे में इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ताकुमी बोलता है कि वो बंदा सच ही बोल रहा था मेरे बारे में वैसे भी। और यहाँ पे पोलका बोलता है, अबे भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू सीक्रेट बता देगा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो कोई भी चीज दिक्कत नहीं है मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे गिल्डवुड ऑर्डर में भी यही होता था, यहाँ पे होली आर्ट होते थे, जहाँ पे पीपलों को जबरन मजबूर किया जाता था सच बोलने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं अरेस को, यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और एक लड़की होती है आइकावा सेंसे करके, उससे बोलता है, आइकावा देखो मेरे पेट में किसी ने लात मार दी है, क्या तुम मुझे इसका फुटप्रिंट देख के बता सकती हो कि ये किसका फुटप्रिंट है। तो बोलती है, ओ भाई ये किसने करा, एक लड़की की लात खा के आ रहे हो, तुम कर क्या रहे थे अरेज। तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं पीछा के बोलती है, अबे वो चूतिया अरेज, जल्दी से अपना इलाज करवा पहले और कपड़े उतार, जल्दी मैं इलाज करती हूँ। उसके बाद आयकावा बोलती है, ये लात के फोटो तो मेरे पास भी है, ये देखो, और वो दिखाती है कि ये लात हमको नॉट वाले सीन से मिली थी। और यहाँ पे वो आगे बोलती है, जल्दी से कपड़े पहन लो क्योंकि तुम्हारे पीछे का जो टैटू बना हुआ है ये लोगों को डरा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले भागते हुए जा रहे होते हैं कॉम्प 3 में, और यहाँ पे दो अफसर बात कर रहे होते हैं कि इनको कुछ लीड मिली है ट्रबल मेकर्स पे, और ऐसा लग रहा है पिछले 5 सालों में जो भी कांड करे हैं लेमिंग्स ने, चाहे वो कोई भी कांड हो या मर्डर हो, किडनैपिंग हो, कुछ भी हो, वो कोई भी जॉब करने में माहिर है। उसके खिलाफ अभी तक के सबसे ज्यादा सबूत अभी मिले हैं, वो एक मॉन्स्टर है, और एक बार तो वो मशीन गन के सामने ही कुछ लोगों को टपका दिया जबकि मशीन गन की सारी गोलियां उसमें ही पड़ी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको। उसके बाद हम देखते हैं कि लेमिंग्स जिसकी वो बात कर रहे होते हैं पुलिस स्टेशन में ही खड़े होकर इन्फॉर्मेशन खंगाल रहा होता है किसी चीज को लेके। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीसा को जो कि यहाँ पे बार में बैठ के दारू पी रहा होता है, और यहाँ पे क्लैरिसा भी वहीं होती है बार में बारटेंडर का काम कर रही होती है। जिसके बाद वो बोलने लगती है कि इसके पास कोई वारंट नहीं है तो हमको अभी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद
लिसा बात करते हुए उन लड़कियों को बता रहा होता है जो उसके आइट साइड बैठी होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब वरीब चीज़ हो रही है, एक ग्रीम रीपर वाली और यहाँ पे किसी ने एक इंसान को गांड बांध कर मार डाला, एक नहीं बहुत सारे इंसानों को, और सबसे बड़ा कांड तो लेमिंग्स ने करा है, उस चूतिए ने तो 30 इंसानों को मार डाला था मेरे ही सामने, साला खतरनाक इंसान है वो बड़ा। क्लैरिसा हमको बताती है कि यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है अगर ये कुछ भी बड़बड़ा रहा है, क्योंकि ये सारी जगह और ये सारी लड़कियां लोग सब अंडरवर्ल्ड में आते हैं और अंडरवर्ल्ड के लोगों को तो ये सब पहले से ही पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि अच्छा है पोलका और मिसाकी यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उसके अगले ही सेकंड पोलका और मिसाकी वहाँ आ जाते हैं और लिसा के पास मैसेज भी आता है कि दो बच्चे हैं जिन्होंने आज मेरे साथ कांड करा है और मुझको उन पर पूरा शक है, तो तुम उनको अगर वो मिले तो बताना मुझे। ऐसा बोल के अरेज यहाँ पे क्लैरिसा के बार की तरफ ही आ रहा होता है जहाँ पे सब लोग मौजूद होते हैं, और हम देखते हैं लेमिंग्स भी आ रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिसा उनको ऑफर करता है जूस पोलका को और मिसाकी को, और यहाँ पे पोलका बड़ा ही खुश होता है जूस पी के और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे से अरेज आ जाता है पुलिस वालों को लेके, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकने की कोशिश करता है पर क्लैरिसा बोलती है कोई बात नहीं इसको आने दो, वैसे भी इसका दोस्त तो अंदर ही बैठा है, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अरेज उनके पास चल के जाता है और बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं तुमको वापस मिलूंगा। यहाँ पे मित्सुकी उससे बोलने लगती है अबे साले तूने हम पे अटैक करा था तू यहाँ पे कैसे आ गया, हम बच्चों को परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे बोलता है अरेज मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस करनी है, और यहाँ पे तुम बता सकते हो कि तुम क्या कर रहे थे उस जगह पे, इतने में ही लाइट चल जाती है। तो यहाँ पे क्लैरिसा बोलती है ये सब हमने नहीं करा है पहले ही बता दूं। जिसके बाद हम देखते हैं पोलका उसकी आंखों का यूज करता है जिससे कि वो देखता है आत्माओं को, और यहाँ पे वो उसको दिखाई देता है और वो मित्सुकी से बोलता है मेरा हाथ पकड़ लो जल्दी से, और मित्सुकी खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे लेमिंग्स आ जाता है और जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पे पोलका भी घबरा जाता है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद क्लैरिसा मोमबत्ती जला ही रही होती है और देखते हैं सब लोग की लेमिंग्स छत पे लटका हुआ होता है और यहाँ पे वो ज़मीन पे कूदता है, जिसको देख के पुलिस वाले भी डर जाते हैं, पूरे के पूरे सब के सब कांप रहे होते हैं और शॉक में चल जाते हैं और बोलते हैं लेमिंग्स यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद एपिसोड 4 खत्म हो जाता है डेड माउंट डेड प्ले का। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया या अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब तक के लिए